मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा में जो शाहीन बाग अब बन चुका है, जिसे अब लोग शाहीन बाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी रात यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन महिलाएं यहाँ पर अभी भी डटी हुई हैं। किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो ये CAA और NRC और NPR इसके खिलाफ ये महिलाएँ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और आपको एक बात और बता दें कि आज यहाँ पर जो है दिल्ली JNU की स्टूडेंट जैसे आयशा और फरजाना, ये दोनों जो है दिल्ली की जो JNU की स्टूडेंट थी, वो यहाँ पर आज आई थी। और जो यहाँ पर महिलाएं हैं, इन महिलाओं को जो है NRC और CAA और NPR के बारे में जानकारी दी, साथ ही सरकार का जो रवैया है इस कानून को लेकर उसके बारे में इन महिलाओं को जानकारी दी। और साथ ही हम बात करेंगे एक रेहाना शेख नामक महिला है, जो लगातार आज 2 दिन से यहाँ पर जो है महिलाओं को इस कानून के बारे में जानकारी दे रही है कि किस तरह से ये कानून जो है खतरनाक है कितना, और जो सरकार इस कानून को लेकर आ रही है इसके लिए विरोध क्यों किया जा रहा है, लगातार इस महिलाओं को जो है इसके बारे में जानकारी दे रही थी। हमने उनसे भी बात की है, और जो आयशा और फरजाना JNU की जो छात्र थी उनसे भी हमने बात की है। हम आपको सुनाते हैं कि फरजाना और आयशा ने क्या कहा है यहाँ पर आकर, और जो रेहाना शेख हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। Definitely the struggle we will be winning, because we are fighting against the fascist government. The whole India is united, everywhere everyone are in the streets in protest against the CAA, the NRC and the NPR. Definitely the struggle will be, we will win definitely, that is the thing. The citizens of India are on street, every people are on street. The reason for coming in Mumbra is to extend my solidarity and to participate in the protest that is happening over here. Kaisa laga aapko yahan ka protest dekh? Bahut acha hai, it was so overwhelming. Wo bahut acha experience hai ye to dikhane ke liye, aur in logo ko baat karne ke liye hum bahut khushi se hai. Ye protest hai na, wo like zarur jeetenge inshallah, inshallah. Jai Bhim, Jai Bhim. Aapko kuch message कुछ मैसेज नहीं, वी वांट टू से दैट एवरी पीपल आर ऑन स्ट्रीट, एवरी वन इज फाइटिंग ऑन स्ट्रीट, सो दिस इज द प्रोटेस्ट, दिस इज द रेसिस्ट, हैव टू विन, सो दिस विल विन इंशाल्लाह, दैट्स अवर विश एंड दैट्स अवर होप, एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ऑप्रेस दिस प्रोटेस्ट बाय फिजिकल वायलेंस, बाय यूजिंग देयर पुलिस, बाय यूजिंग देयर आर्म्स फोर्स, एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंस और एनीथिंग, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वायलेंस, दे नीड, गवर्नमेंट नीड वायलेंस, दे आर डूइंग दैट, ओके, इफ दे हैव दैट मच डेयर टू, आई मीन दैट मच कॉन्फिडेंस इन देयर आइडियोलॉजी, अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अवर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, they, if they have that much courage, we are openly calling them for a debate. If you have that courage, then let's come to debate us, debate with us. We don't need any kind of physical violence, we can fight with ideology, ideological fight that we are looking. CAA को लेके जो मुल्क भर में एहतजाज चल रहा है काफी दिनों से, इसमें और में खबरें बहुत ज्यादा आ गया है, तो आपने शाहीन बाग भी कहते हैं जो ओरिजिनल शाहीन बाग है उसकी देखा देखी आज मुल्क में 65 के करीब शाहीन बाग बनने को, आपको क्या तजुर्बा मिला और यहाँ पर शाहीन बाग में कैसा लग रहा? देखिए तजुर्बा ये था कि मुझे ये CAA के बारे में, औरतें घरेलू औरतें हैं, वो बिल्कुल अपने रशीद कंपाउंड जैसा एरिया है, घरेलू औरतें हैं वहाँ पे, कोई वहाँ पढ़ी लिखी औरतों का मजमा नहीं, जामिया का मजमा टोटली अलग, एक्सपीरियंस टोटली अलग है, और यहाँ का शाहीन बाग का एक्सपीरियंस टोटली अलग है, यहाँ घरेलू औरतें दादियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं, वो गरीब है, उनके पास स्टेज नहीं है, पत्थरों पर उन्होंने एक टेबल रखा हुआ है, उस पर एक दरी सी बिछी हुई है, आई कैन शो यू द, आई कैन गिव यू द पिक्चर्स, और फिर उन लोगों को बहुत सिंपलिसिटी में वो लोग बैठे हो, कोई उन्हें ये कहता है कि 500 रुपया लिए बहुत ओछी बात है, जब इंसान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, खिसिया नहीं बिल्ली खम्बा नोचे, कुछ नहीं मिला तो इल्ज़ाम डाल के देखा, लेकिन वो बिल्कुल बेबुनियाद है। 9 दिन थी, 9 दिन थी, उस 9 दिनों में मैंने 3 डिग्री टेम्परेचर, मैं बॉम्बे वाली हूँ, कभी भी मुझे नहीं मालूम था 3 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, और फिर उस टेम्परे ठंडे में 4-4 स्वेटर पहने के बारिश आई, तो वो जो एक्सपीरियंस था, एक औरत भी उठी नहीं थी,
एक औरत भी नहीं उठी थी। अब जिस ग्रुप में मैं बैठी हुई थी, जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, कुछ लोगों ने लाके समोसे खिलाए। देखो एक खराब एक्सपीरियंस है, लेकिन यू शुड नो, और मैं चाहती हूँ दुनिया के सामने बताया जाए कि कुछ लोगों ने लाके समोसे दिए, बहनों ने खा, बहुत ही सिंपल बहनें हैं, उन्होंने खा लिए। बस मेरा आवाज़ वहाँ भी बैठा हुआ था, इस वजह से मैं खा नहीं सकी थी। लेकिन जिन जितनी बहनों ने समोसा खाए, थोड़ी देर में उन्होंने उल्टियाँ की, फिर वॉलंटियर्स ने कहा किसी के हाथ का कुछ लो मत, इन लोगों ने ओ तक किया, अंदर ऐसे समोसे भेजे जिसकी वजह से फौरन उनको उल्टियाँ बुखार शुरू हो गया। उस ग्रुप में मैं थी, मेरी फ्रेंड्स थी जिन्होंने ये उल्टियाँ की है, तरह तरह की सब बिल्कुल। और इसके बाद थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ कर दी गई, पूरे एरिया की लाइट ऑफ, वहाँ माएँ बच्चे दादियाँ बैठी हुई है, लाइट ऑफ, और पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स आए, उसमें दो लेडीज आईपीएस ऑफिसर्स थी। तो कुछ जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने कहा अरे यहाँ बच्चे खड़े हैं, बच्चों का कुछ नात वगैरह कुछ सुनाई गई थी वहाँ नज़म, तो उन्होंने कहा कि बच्चे खड़े हैं तो यहाँ बच्चों को पीछे लो, इतने अंधेरे में बच्चों को पीछे लो। 5 साल के बच्चे थे वो, 5 या 6 साल के, इससे बड़े नहीं थे। उन्होंने किसको बोलता है बच्चा, हम भगाएंगे, ऐसे पुलिस के साथ बात की, क्या है क्या है क्या है, वो आईपीएस ऑफिसर पीछे पीछे भाग, मतलब ये मेरी आंखों देखी बात। उसी तर्ज पे मुमरा में भी 2 दिन से शाहीन बाग चल रहा है, 3रे दिन में दाखिल हुए हैं जी। आपको यहाँ पे क्या तजुर्बा और यहाँ की खवातीन को आप क्या नसीहत? मैं आने के बाद हमने ये शुरू किया, जो एक्सपीरियंस मैं वहाँ से लेके आई थी। दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया था काफ़ी सारे लोगों को, मुझे ये करना है, मुमरा में होना चाहिए। इसके बाद बिल्कुल किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हम लोग 4-10 औरतें ही थी जो हमने ये सोचा कि यहाँ पे ऐसा शुरू कर सकते हैं। बैठना हमें ही था ना, हम तो माँ है ना, हमें क्या लगता है, कुछ भी नहीं, हम ज़मीन पे बैठ गए। बेटा तुम लोगों को हमने कैसा पाला है हमें पूछो, हमें चीज़ों की, हुकूमत की, कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ आके 4-10 औरतें आके बैठी थी, देखते 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 ये बड़ा हो गया, कल इतना नहीं था आज इतना बड़ा हो गया, और ये भी कम पड़ा, आधी औरतें अंदर आधी से ज़्यादा बाहर थी। जिस तरह से कल जो सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आने वाला है, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसके हक में फैसला देगी? सुप्रीम कोर्ट देखिए, इस वक्त तो लगता है कि मोदी अमित शाह ये प्रेशराइज करके ये डिसीजन उनके हक में ले लेंगे, ये ऐसे लग रहा है, अभी तक लग रहा है हमको। ये लड़ाई हम ये नहीं समझेंगे कि हमने खूब शोर मचाया तो हम जीत गए, बिल्कुल भी नहीं, ये तो शुरुआत है, ये लंबी लड़ाई होने वाली है। अब तो आग लगी हुई है, अब तो हमें काम करना है। और कल अगर फैसला फेवर में नहीं आया आपके सपोर्ट में, तो भी ये एहतजाज जारी रहेगा, ये एहतजाज हमें ख़त्म नहीं करना है। ये तो वैसे भी ये एहतजाज ख़त्म नहीं करने का था, सपोज उन्होंने सीए वापस भी ले लिया तो ये तो कानून वापस ले, दूसरा आएगा उसके साथ, हम नई लड़ाई अलग से लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? हम सीए, एनआरसी, एनपीआर, इसके साथ साथ मोदी और अमित शाह भी वापस। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।